तो अब हम लोग एक दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि मानव समाज में परिवार के विविध स्वरूप तथा प्रकारों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन के अंतर्गत दो पार्ट है। पहला है कि मानव समाज में परिवार के विविध स्वरूप का वर्णन करना है, और दूसरा कि मानव समाज में परिवार के प्रकार यानी फंक्शन का वर्णन करना है, राइट। और यहाँ फॉर्म्स का वर्णन करना। तो जब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें तो इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इन दो इम्पॉर्टेंट पार्ट के अनुरूप इस क्वेश्चन का जो आप परिचय लिखेंगे, जो भूमिका लिखेंगे, वो इसके पार्ट के अनुरूप होगा। तो पहला अगर हम देखें कि परिवार के विविध स्वरूप का हमें आंसर लिखना है, तब इस समय हम लिखेंगे कि परिवार मानव समाज की संरचनात्मक इकाई है, राइट। पहला सेंस कि जो परिवार है वो मानव समाज की बेसिक संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। अथवा आप कह सकते हैं कि परिवार घरेलू समूह है, डोमेस्टिक ग्रुप है, और इसके आधार पर हम परिवार के स्वरूप को डिफाइन कर सकते हैं कि परिवार की जो संरचना है उस संरचना के आधार पर परिवार के अंतर्गत निम्नलिखित स्वरूप पाए जाते हैं। तो मानव समाज में परिवार के जो स्वरूप हैं ये विविध प्रकार के पाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत जब हमें लिखना है तो जो स्वरूप लिखेंगे वो संरचना के आधार पर लिखेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा विवाह के आधार पर आप लिखेंगे, तीसरा रक्त संबंध, चौथा आवास के आधार पर, और पांचवा आप उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के प्रकारों की विवेचना करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर संरचना के आधार पर भी परिवार के अंतर्गत तीन इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स दिखाई देते हैं, जिसमें एक जो है हम नाभिकीय परिवार की चर्चा करते हैं, दूसरा संयुक्त परिवार, और तीसरा विस्तृत परिवार। इसी तरह से विवाह के आधार पर जब परिवार के प्रकार को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो पहला एकल विवाही परिवार, दूसरा बहुपत्नी विवाही परिवार, और तीसरा बहुपति विवाही परिवार। रक्त संबंध के आधार पर परिवार का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है आपको नायर समाज में दिखाई देगा। आवास के आधार पर फिर परिवार में पांच प्रमुख प्रकार होते हैं, जिसको बोलते हैं पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नौस्थानीय, दिव्यस्थानीय और मामास्थानीय। और उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के दो पार्ट हैं, एक पितृवंशीय और दूसरा मातृवंशीय। तो ये इतने ज़्यादा आपको सेक्शन हो जा रहे हैं, इसके कारण जब आप आंसर इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करते हैं
तो आप कोशिश कीजिए कि नाभिकीय परिवार क्या है इसको डिफाइन कर दीजिए, फिर इसके डायग्राम का निर्माण कर दीजिए और फिर एग्जाम्पल दे दीजिए। उसी तरह संयुक्त परिवार क्या है इसको आप डिफाइन कर देंगे, इसके डायग्राम को बना देंगे और फिर एग्जाम्पल। फिर विस्तृत परिवार क्या है इसको डिफाइन कीजिए, उसका डायग्राम बनाइए और फिर उसका एग्जाम्पल दीजिए। इसी प्रकार से एकल विवाही परिवार क्या है उसका डिफाइन कीजिए, फिर उसका डायग्राम बनाइए, एग्जाम्पल दीजिए। बहुपत्नी विवाही परिवार क्या है उसका डिफाइन कीजिए कि ये क्या है और फिर उसका डायग्राम बनाइए, एग्जाम्पल दीजिए। बहुपति विवाही परिवार भी आप उसी वे में लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल। फिर यहाँ नायर जो परिवार है जिसमें रक्त संबंधी परिवार ही रक्त संबंधी मेंबर ही केवल परिवार के मेंबर होते हैं, आप उसको बता देंगे कि ऐसा परिवार जिसमें केवल रक्त संबंधी सदस्य ही परिवार का मेंबर होता है, विवाह संबंधी सदस्य परिवार का मेंबर नहीं होता है, और फिर उसको डायग्राम के रूप में आप प्रेजेंट करके उसका डायग्राम बना करके और फिर आप उसके माध्यम से अपनी बातों को रेखांकित कर सकते हैं। जैसे ये अगर हम इस सर्किल के अंतर्गत जो मेंबर है ये सब रक्त संबंधी परिवार है। इसी प्रकार के पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, देवस्थानीय, मामास्थानीय को आप एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। पितृवंशी और मातृवंशी दोनों को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इसके माध्यम से आप परिवार के प्रकार को आप बता सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में वर्णन ही करना है तो सिंपली आप इसको वर्णन कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का जिसके अंतर्गत हमें पूछा गया है, परिवार के फंक्शन की बात किया गया है, तो इसका जो आप परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इस परिचय में आप लिखेंगे कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है, राइट? एक संस्था है जो मानव के जैव मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बाद जब आप इस चीज़ को आगे बढ़ाकर लिखने का प्रयास करें तो फिर यहाँ एक केस स्टडी है, ये जीपी मर्डक का केस स्टडी है जिसके अंतर्गत उन्होंने 1949 ईस्वी में 250 समाजों के बीच क्षेत्र कार्य किया था, 250 समाज में, और इसके आधार पर इन्होंने बताया कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है और एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में परिवार निम्नलिखित प्रकारों का संपादन करता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि परिवार पति पत्नी के बीच के यौन संबंधों का विनियमन करता है, उसको नियंत्रित करता है, परिवार प्रजनन का कार्य करता है, परिवार अर्थोपार्जन का कार्य करता है और परिवार बच्चों के समाजीकरण का कार्य करता है। इसके बाद टॉलकॉट पर्सन्स ने भी बताया कि परिवार मानव समाज में समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसको बताने के बाद आप अलग से परिवार के जो सामाजिक प्रकार हैं इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, यानी कि हम देखते हैं कि सामाजिक के अंतर्गत परिवार समाजीकरण का कार्य तो करता ही है, साथ ही साथ परिवार क्या करता है कि बच्चों को भाषा की शिक्षा परिवार के द्वारा ही दी जाती है, इसलिए परिवार मानव समाज की प्राथमिक पाठशाला के रूप में कार्य करता है। हम परिवार के माध्यम से सामाजिक संबंधों के महत्व को समझते हैं, सामाजिक संबंधों के दायरे का विस्तार भी हम परिवार के माध्यम से ही सीखते हैं। इसके अलावा परिवार जो है आर्थिक उत्पादन एवं उपभोग इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही साथ परिवार जो है राजनीतिक कार्य के अंतर्गत अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करता है, व्यवहार का नियंत्रण एवं सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है।
और संस्कृति के अंतर्गत परिवार जो है धर्म प्रथा परंपरा रीति रिवाज को संरक्षण प्रदान करता है, और मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत परिवार अपने सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का विकास करता है और उन्हें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार मानव जीवन की सार्वभौमिक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण प्रकारों का संपादन करता है। और लास्टली आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था एवं संघ दोनों है, जो मानव के जैव मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसलिए यह समकालीन मानव समाज में भी प्रासंगिक है।